चलिए अपने हिंदी व्याकरण की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट पांच। क्या है पार्ट पांच? नाम वाले शब्द, जिसको हम दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? संज्ञा, है ना। नाम वाले शब्द आप लोग को पता है, नाम वाले शब्द आप लोग को पता है, नाम वाले शब्द क्या होते हैं? जिसकी चीजों को हम नामों से जानते हैं, नामों से पहचानते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे नाम वाले शब्द कहलाते हैं और उन्हें हम संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टोरी, यहाँ पे एक छोटा सा वाक्य मैंने लिखा है, उसके आधार पर हम देखते हैं, ठीक है। जैसे एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था, ठीक है। पढ़ते चलिए, देखते चलिए। एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके धान के खेत थे, खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। चुनमुन ने घोंसला बनाया, उसके दो बच्चे भी थे, मुनमुन और टिनटिन, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान था। उसके धान के खेत थे, खेत में चिड़िया रहती थी। चुनमुन ने घोंसला बनाया, उसके दो बच्चे भी थे, मुनमुन और टिनटिन। तो देखिए जब मैं यहाँ पे लिखा है, मैंने सब जिन जिन चीजों के नाम नीचे मैंने लाइन खींची है, अंडरलाइन लगाया है, देखिए क्या है ये गांव, ठीक। ये क्या है, किसके नीचे लगाया? माधव, फिर किसान, फिर यहाँ किस पे लगाया? धान, खेत, चुनमुन, चिड़िया, घोंसला, मुनमुन और टिनटिन। तो ये सारे क्या हैं? इनको हम नामों से जान रहे हैं, हमें पता है गांव होता है, ये भी पता है माधव नाम है किसी का, किसान जो खेत जोतता है हमें भी पता है, धान के खेत होते हैं, खेत भी हमें पता है, चुनमुन चिड़िया, चुनमुन नाम हो गया, चिड़िया पता है जानवर का नाम हो गया, जा पक्षी हो गया, चुनमुन ने घोंसला बनाया, घोंसला भी हमें पता है, चिड़िया बनाती है, और बच्चे भी हमें पता है, और मुनमुन और टिनटिन, ये दोनों क्या हो गए? नाम हो गए। तो ये जितने भी शब्दों में मैंने अंडरलाइन किया है उनको हम नामों से जान रहे हैं, है ना, उनके सबके नाम हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मैंने जो यहाँ पे लिखा आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया, कि माधव एक था, वो किसान था, उसका एक धान का खेत था। तो इन सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं? नामों से जान रहे हैं, कि यही हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? नाम वाले शब्द, जिनको हम नामों से पहचान रहे हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? नाम वाले शब्द। क्या कहलाते हैं? नाम वाले शब्द, या इसको क्या बोलते हैं दूसरे अर्थों में? संज्ञा। ठीक, समझ में आया? क्लियर हुआ कि इन जिसके अंदर नीचे मैंने अंडरलाइन की है वो क्या है? नाम वाले शब्द। इनको हम पहचान रहे थे, हमारे क्या कहलाते हैं? नाम वाले शब्द, क्योंकि इनको हम नामों से जान रहे हैं। ये हमारे क्या होते हैं? नाम वाले शब्द और संज्ञा, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। जैसे संज्ञा, देखिए अब यहाँ पे देखिए, नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो जिसको जो नाम बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा कैसे लिखेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद आ गया? क्लास सेकंड सबको याद आ गया होगा ये वाला, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और नाम वाले शब्द भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक, ठीक है। तो अब नाम कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, पक्षी का नाम हो, जानवर का नाम हो, दिनों के नाम है, महीनों के नाम होते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? क्योंकि हम इनको नामों से जान रहे थे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नाम वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं, तो बच्चों अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में क्या हो जाएगा बताइए, आप बताइए, व्यक्तियों के नाम में क्या क्या हो जाता है? जैसे कलर, किसी का भी नाम, चाहे आप कोई आपका खुद का नाम, आपके दोस्त का नाम, मम्मी पापा दादा दादी होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं? व्यक्तियों के नाम में आ जाते हैं, इनको हम नामों से जान रहे होते हैं। उसके बाद है वस्तुओं के नाम, जैसे अभी आप सब लोग अपने मोबाइल लेके बैठे हो, तो मोबाइल भी क्या है? वस्तु हो गई ना, और आपने पेंसिल लिया है, कॉपी लेके बैठे हो, किताब लेके बैठे, तो वो सब क्या हो जाएंगे? वस्तुओं के नाम, उनको भी हम नामों से जान रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? संज्ञा वाले शब्द। उसके बाद है पशु पक्षियों के नाम, जैसे शेर, तोता, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, इन जानवरों को भी हम नामों से जान रहे होते हैं, गाय, तो ये सारे क्या हो गए? नाम वाले शब्द, संज्ञा। उसके बाद पेड़ पौधों के नाम,
पेड़ पौधों के नाम, उनको भी हम नामों से जान रहे हैं। अब फलों के नाम, फलों के नाम में कैसे हो जाएगा, जैसे सेब का पेड़ हो गया, केले का पेड़ हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, फलों के नाम वाले में आ जाएगा। दिनों के नाम में, जैसे दिनों के नाम आपको पता है, दिनों के नाम कौन कौन से होते हैं, सोमवार, मंगलवार, ये हमारे क्या हो गए, दिनों के नाम। तो दिनों के नामों को भी हम नामों से जान रहे हैं, हमें पता है आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा, परसों बुधवार होगा, तो हमें इन्हें पता है, इनके बारे में हम जान रहे हैं। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, संज्ञा के। उसके बाद देशों के नाम, भारत, आप लोग हमारे देश का नाम क्या है, भारत, जापान, अमेरिका, चीन, सारे देशों के नाम भी किसके अंतर्गत आएंगे, संज्ञा के, क्योंकि इन सबके नामों से हम इनको जानते हैं। उसके बाद नदियों के नाम, जैसे हमारे कौन सी नदी बहती है हमारे यहाँ प्रयागराज में हम रहते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, तो इन सारी नदियों को भी हम नामों से जानते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब संज्ञा के, ये सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे, क्योंकि इनको हम नामों से जान रहे होते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, संज्ञा वाले। जैसे स्थानों में आ जाएगा, स्थान भी होते हैं, स्थानों के नाम भी, जैसे प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन सबको हम नामों से जान रहे होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, नाम वाले शब्द कहलाते हैं। आपके बुक्स में बेटा नाम वाले शब्द दिए गए हैं, आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा भी कि ये क्या क्या है। जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे हम, प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। और जिस भी चीजों को हम नाम से पहचानते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या नाम बताने वाले शब्द भी कहते हैं, नाम वाले शब्द भी कहते हैं। ओके, तो ये है आपका, यहाँ पे आपको क्लियर होता है कि पार्ट 5 नाम वाले शब्द। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाम वाले शब्द क्या हो?